श्रावस्ती के गिलोला पॉलिटेक्निक का छात्र कोविड का वैक्सीन लगवाने के बहाने स्कूल से बाहर निकलकर नहर में नहाने पहुंच गया, जहां पर नहर में नहाते समय नहर के पानी में छात्र लापता हो गया। आपको बता दें कि प्रयागराज जिले का रहने वाला छात्र कार्तिक प्रजापति श्रावस्ती जिले के गिलोला के लेंगड़ी गूलर में बने पॉलिटेक्निक स्कूल में करीब 3 महीने पहले पढ़ाई करने आया था, जिसके बाद आज स्कूल में कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने का बहाना बताकर बाहर निकला और पॉलिटेक्निक स्कूल के ही करीब में मौजूद पचदेवरी पुल पर दोस्तों संग नहर में नहाने पहुंच गया। जिस दौरान नहर में नहाते समय पॉलिटेक्निक का छात्र कार्तिक प्रजापति गहरे पानी में पहुंचकर लापता हो गया। पॉलिटेक्निक के छात्र का नहर में नहाते समय लापता होने के बाद दोस्तों की सूचना पर पहुंची गिलोला पुलिस ने पानी में लापता हुए छात्रों को तलाशने का प्रयास जारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटेक्निक के छात्र का नहर में नहाने के दौरान लापता होने की सूचना पर पॉलिटेक्निक स्कूल के भारी संख्या में छात्र व अध्यापक भी पहुंच गए। इसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि नहर के पानी में लापता हुए छात्र का आखिर कब तक मिलता है, सौ किस हालत में मिलता है। क्या हुआ यहाँ पे? और हमारा नाम अंकित कुमार आर्य। क्या हुआ यहाँ पे? और हम लोग घूमने के लिए आए थे इधर, तो घूमने के लिए आए थे तो मतलब पानी ज़्यादा तेज था, तो हम बोले कि देखो भाई नहाओ मत, नहाओगे तो कोई ठीक नहीं, इसमें पानी ज़्यादा धार है, बह भी सकते हो इसमें। तो बोला कि नहीं, हम थोड़ा जांच करेंगे पानी कितना गाढ़ा है, तो अब तुम बोल रहे हो तो हम बोले देखो भाई नहाना है तो किनारे पर नहा ले, आगे मत जा तू बीच में। तो फिर आगे चला गया, वो दो तीन बार आवाज़ लगाए उसको, तो दो तीन बार हाथ उठाया वो, जितने बार फिर एक बार चिल्लाए तो फिर हाथ उठाया। फिर उसके बाद हम थोड़ा फ़ोन में बिजी हो गए उधर टाक कर, तो इधर ध्यान नहीं दिए, तो इधर फिर लौका नहीं, तो यहाँ पर कोई अंकल थे, वो बोले कि यहाँ पर लड़का वो हाथ उठाया, फिर इसके बाद आगे नहीं दिखा वो, आगे मत पता नहीं डुबकी मारा क्या किया, फिर उसके बाद हम लोग नहीं मालूम कुछ। इसके बाद हम पता नहीं डूब गया वो ना, अब तो डूब गया। हाँ डूब ही गया है ना वो, वो प्रयागराज का है, कार्तिक प्रजापति नाम है उसका। यहाँ क्या कर रहा था श्रावस्ती गिलोला में? वो पॉलिटेक्निक करता है, पढ़ाई करता है यहाँ पॉलिटेक्निक। हाँ सर पॉलिटेक्निक करता है। कब आया था वो? लमसम 11:30 बजे। कब से आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पर सर मुझसे फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, 3-4 महीने हुए बस। तो आप लोगों का दोस्त है वो? हाँ हमारा दोस्त है वो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। साथी में आप लोग रहते थे? हम लोग साथी में रहते थे, अगल बगल रूम में। लड़के का नाम कार्तिकेय है, वो बच्चा जो है बीआरडी को बताया कि वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, वो एंट्री करके आया है, वैक्सीनेशन कराने इधर नहाने आया था, जिसके साथ अंकित नाम का एक लड़का आया था। ये कई सारे लड़के हैं जो रोज़ यहाँ नहाने आते हैं, स्कूल से कैसे वो यहाँ आ जाते हैं? अब चूँकि स्कूल करीब है नहर के, और वहाँ पे पीआरडी हमारे रहते हैं, पीआरडी जैसे वहाँ पे एंट्री करके चले बताते हैं हम दुकान पे जा रहे हैं, लेकिन इधर चले आते हैं। लेकिन डेली में दुकान के बहाने मतलब सामान खरीदने के बहाने निकल जाते हैं बाहर, मतलब उसमें जो एंट्री करते हैं वो यही निकलते हैं कि हम जाना है कापी खरीदने, पेन खरीदने, इस तरह का। तो आप लोग नहीं देखते हैं कि कहाँ कापी चेक कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं लड़के बाहर निकलने? चेक करते हैं तो कुछ लोग कापी लेकर आते हैं दिखाते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि उनको नहाने जाओ, ऐसा नहीं कहते हैं, हम लोग खुद मना करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, गार्जियन के रूप में काम करते हैं। वैक्सीनेशन के बहाने ये बाहर निकले और? हाँ वो अंकित ने बताया था, अंकित इधर आओ, उनके साथ अंकित नाम का लड़का था, लड़का आया था। हम तो क्लास में थे, उसके बाद ये सूचना आई तो मैं फौरन तुरंत चल दिया था बचाव के लिए। यहाँ के लोग ये भी तो बता रहे हैं कि ये आज भी का नहीं है, ये प्रतिदिन का कहानी है कि लड़के आते हैं मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और उसको यहाँ नहाते हैं। अब ये गांव वाले देखे होंगे, नहीं गांव वाले कोई रिपोर्ट नहीं किए हमको, ये तो नहीं कोई नहीं, बच्चा इस तरह का कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता, ये बताया कोई नहीं आता है। आप ही तो अभी आप ही बता रहे थे कि यहाँ, अरे भाई कोई घूमने लोग आते हैं, हम लोग आज लमसम आ जाए, हम लोग घर गए थे, हम लोग आ जाए इधर घूमने फिरने, वो भी प्रेशर किया तब हम साथ में, उसके ना तो आने वाले भी नहीं थे हम लोग। इतनी बड़ी घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? अब उसकी जिम्मेदार तो स्वयं वही है, वो की कोई गलती नहीं है। नहीं गलती क्या, हम लोग मना करते हैं और वो उसके बावजूद भी वैक्सीन झूठ बोल के आया इधर स्कूल प्रकाश, आप छात्र से पूछ सकते हैं, इस छात्र से पूछ सकते, गलती उसी के उसके साथ के लिए है, ये उसके साथ था लड़का, ये वैक्सीन के बताकर यहाँ नहर की तरफ आ गए के लिए। और सर ये इनका कॉलेज चले गए थे, 10 बजे के बाद इनकी ड्यूटी कॉलेज में स्टार्ट हो जाती है, ये वहाँ बता के आए थे कि आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, वैक्सीन लगवाने जाएंगे, तो सर ने कहा ठीक है, और ये वहाँ पे पीआरडी रूम पे सिग्नेचर किए और उसके बाद यहाँ नहर की तरफ चले आए। तो उसमें ये शो किया गया कि हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, कॉपी में लिखा गया है, अरे क्या लिखे थे
वही लिखा वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन वही लिखा है सर। हाँ